और अब खबर सीधी जिले के बरही तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी चितावा टोला से है, जहां पर प्रभा वासुदेवा उम्र 16 वर्ष, पिता प्रहलाद वासुदेव नाम की लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना शुक्रवार समय लगभग 3 बजे की बताई जाती है। परिजनों का कहना था कि हम लोग महुआ बीनने के लिए जंगल में गए हुए थे, युवती घर में अकेली थी। जब हम शाम को आए तो देखा कि वो फांसी के फंदे पर लटक रही है। इसकी सूचना हमारे द्वारा पुलिस थाना बहरी को दी गई थी। मृतका के माता पिता एवं परिवारजन के लोगों का कहना था कि इसी गांव में घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले लाला सेन नामक युवक के द्वारा बच्ची को छेड़छाड़ कर परेशान किया जाता था, जिससे वो तंग आकर आत्महत्या के जैसा कदम उठाई है। आक्रोशित परिवार के लोगों का कहना था कि अगर आरोपी के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एवं बेटियों की सुरक्षा के दावे करती आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। जरूरी है सर, जरूरी है, किसी गरीब इंसान ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जात हो या फरियाद हो, किसी लड़की के साथ ऐसा सब मिलना चाहिए। हम लोगों का यही कहना है सर, जरूरी है कार्रवाई होना है तो होना, इंसाफ मिल जाएगा तो ठीक है, अगर इंसाफ कार्रवाई हो सर प्यार करती हो तो तुम मर जाओ। ये लड़का बोला है तब वो लड़की मरी है। साहब ऐसी जानी जगली पगली है साहब, यही के नाम जानती हूँ लड़के का, लाला सेन। लाला सेन देखी, उसको पहचानती हो? जी। तो कितनी बार आया तुम्हारे सामने से जबरदस्ती करने? बोलो बोलो साफ साफ बोलो, बिल्कुल जो जो जानती हो तो। कितनी बार आया? चार देर वाला। चार बार, ठीक। मतलब पड़ोसी है, बात कर रहे हैं, बात कर रहे उनसे, और मतलब कह रहे हैं कि हमारी कसम जो मुझसे प्यार करती होगी सच्ची तो तुम मर जाना, हम ये हम मर जाने, तू क्या पता क्या सोची से वो खत्म हो गया। तुमको पता था? वो बात करती थी तो हम वहीं पे ठहरे थे। तुम जानती थी तो ये कब से बात कर रही थी? काली नहीं, पहले पहले कब से बात कर रही थी? पहले बहुत बात। अच्छा, 3 महीने से बात कर रही। तो जबरदस्ती धमकाता था कि मतलब प्रेम से बोलता था? जबरदस्ती करता था। जबरदस्ती करता था? हम लोग महुआ बीनते थे तो जबरदस्ती आता था। अच्छा, तो ये लड़की उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, वो जबरदस्ती करता था? ऐसा लड़की हवा नहीं गई हो। ठीक, गए होंगे महुआ बीनने। हाँ, तो महुआ बीनने गए थे, वो महुआ बीन के आई बच्ची, पता नहीं क्या किया हम नहीं जानते। फांसी लगा दी। तो तूने बता रहा? यही जो है तो जब ढेर है, मान लीजिए कौन धमकी दिया था मारने के लिए, कहीं धमकी के धमकी दे रहा है? यह गोपाल का नाम है। लाला का धमकी दे रहे हैं कि जाओ तुम नहीं जाओगे, गुस्सा हो गया, बोला कि तुम मर जाओगे, मर जाओगे, चली जाओगे तो जाओ, चली जाओ, मगर जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमसे प्यार नहीं करोगे, हमसे प्यार नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। इस बात की जानकारी आपको थी पहले से? सरकार न हो तो अपना बताई घटना घटी। सर हम लोग तो यही जान रहे हैं कि लाला सेन के पीछे लड़की अपना जान दे दी, और लड़का के और लड़की का कितना संबंध था हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या धमकी दिया था वो? अब लड़की बता रही सर कि यही है कि तुम मरोगी तो मरोगी, नहीं तो हम मरेंगे। अच्छा, हमारे से प्यार करती हो तो मर जाओ, प्रेम प्रसंग के चलते हो जी, तो मर गई। हम लोग तो यही जान रहे हैं, हम तो आज सीधे से आ रहे हैं सर, और ये गरीब परिवार कहाँ, इनकी कार्रवाई इनकी सुनवाई होना बहुत जरूरी है सर जी।